हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग और आपके सामने लेकर आया हूं रिव्यू एक बड़ी छोटी सी फिल्म का जो इस हफ्ते रिलीज हो रही है, आपके सामने होगी। ये फिल्म बहुत छोटी है लेकिन शायद उसका मेनस्ट्रीम मीडिया के रिव्यूज और उसमें उसका जिक्र भी ना हो, लेकिन मैं भी जब उसको देखने गया तो मैं थोड़ा अप्रेंसिव था कि यार इसमें क्या देख रहा है, मतलब ना नॉन स्टार कास्ट फिल्म है और कुछ नहीं। लेकिन जब फिल्म शुरू होती है तो एक खूबसूरत वादियां शिमला की, खूबसूरत विजुअल ग्रैंड, आप उस विजुअल ट्रीट में खो जाते हैं। डायरेक्टर शुभेंदु घोष के फिल्म बिफोर यू डाई एक ऐसी लड़की की कहानी है जो आपको अधूरी लव स्टोरी का एहसास देती है, कसक का एहसास देती है। डायरेक्टर ने जिस तरह से उसको ट्रीट किया है फिल्म को, शुरू में उसके पेस एंड रिदम से आपको उसके साथ चलने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन प्रदीप चोपड़ा की ये कहानी जो है आपको कहीं ना कहीं छूती जरूर है, बशर्ते आप थोड़ा पेशेंस रख के वो फिल्म देख पाए पूरी। गाने बहुत खूबसूरत हैं इस फिल्म के। कुछ सुवेंद्र की डायरेक्शन में एक नयापन जो होता है, नयापन में कहानी के नयापन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब कोई आदमी नया नया डायरेक्टर बनता है तो कई सारी चीजें सीखते सीखते सीखता है, तो उसमें कई सारे कट्स और उसमें आपको लगता है कि यार ये थोड़ा सा यहाँ पर और कुछ होता तो अच्छा होता, लेकिन उसके बावजूद कहानी आप तक पहुंचती है। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत पाथ ब्रेकिंग फिल्म है या बहुत कमाल की फिल्म है, लेकिन वो एक विजुअल रीड, मतलब जग्गा जासूस या बर्फी के बाद आप उस तरफ का जो खूबसूरती है शिमला और उसके आसपास की, वो आपने लंबे समय से देखी नहीं, तो वो विजुअल आपको बहुत खूबसूरत लगता है। सिनेमेटोग्राफर अरविंद नारायण दोलाई ने जिस तरह से एक एक फ्रेम को बहुत खूबसूरती और प्यार से गढ़ा है वो वाकई देखते बनता है। तो कुल मिलाकर मुझे ये फिल्म कहीं ना कहीं अलग लगी, कई सारे फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा भी रही है ये फिल्म। एक अलग पेस एंड रिदम की फिल्म है, मुझे लगता है एक बार अगर आप देख ले, आपको मौका मिले देखने का तो आप इसे देखें, तो एक विजुअल ट्रीट की तरह आपको बहुत आनंद आएगा। आप जस्ट एक विटनेस की तरह उसको देखिए, आपको उस खूबसूरत नजारों में आप खो जाएंगे। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 2.5 स्टार।